लोगों के बीच फिर चर्चा में आए मोहम्मद मोहसिन। देश के प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की ली थी तलाशी। मोहसिन को भुगतना पड़ा था इस तलाशी का अंजाम। कौन है मोहम्मद मोहसिन जिसने पीएम की ली तलाशी? देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी साल 2014 से केंद्र की सत्ता संभाल रही है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है नरेंद्र मोदी, जिनके दम पर साल 2014 में पहली बार बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर सरकार बनाई। तो वहीं 5 साल बाद भी मोदी का यही जलवा एक बार फिर दिखा, जब दूसरी बार बीजेपी सत्ता में लौट कर आई। और अब एक बार फिर पीएम मोदी अब की बार 400 पार का नारा देकर चुनावी समर में कूद गए हैं। मैं इस धरती से यही आह्वान करता हूं, जो देश कह रहा है, जो उत्तर प्रदेश कह रहा है, जो आजमगढ़ कह रहा है, उसी का मैं आह्वान करता हूं, अब की बार 400 पार, अब की बार। मोदी ने साल 2019 में 300 पार का नारा दिया और उसे हासिल भी कर लिया। इस बार 400 पार सीटों का नारा है और इस नारे को भी हकीकत में बदलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। उनकी मेहनत देखकर लग रहा है कि बीजेपी इस बार 400 पार सीटें हासिल कर सकती है। शायद इसीलिए पूरा विपक्ष इस कदर परेशान है कि अब उनके हेलीकॉप्टर पर भी सवाल उठाने लगा है। सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने तो यहाँ तक कह दिया कि चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 1975 में इंदिरा गांधी को इसी आधार पर अयोग्य करार दिया गया था। अगर बीजेपी ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को किराए पर लेने के लिए भुगतान किया है, तो चुनाव आयोग को हम सभी को यह बताना चाहिए कि भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्यों आवश्यक है। चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करते समय कहा था कि आचार संहिता के उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा। अब देखते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने के लिए चुनाव आयोग पीएम मोदी के खिलाफ जांच या कोई कार्रवाई शुरू करता है या नहीं। दरअसल चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि देश के प्रधानमंत्री को चुनाव के दौरान सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करने का हक है, लेकिन इसके बावजूद टीएमसी ने इसे मुद्दा बनाया। वैसे आपको बता दें, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर को मुद्दा बनाया गया था। उस वक्त एक आईएएस ऑफिसर ने ओडिशा में पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ले ली थी, जिस पर सियासी बवाल मच गया था। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया था कि एक अधिकारी को वाहनों के निरीक्षण का काम करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा निलंबित कर दिया गया। नियम सरकारी वाहनों से चुनाव प्रचार की छूट देता है, लेकिन पीएम के वाहन की तलाशी की छूट नहीं देता है। मोदी हेलीकॉप्टर में ऐसा क्या ले जा रहे हैं जो वह नहीं चाहते कि भारत देखे? जिस आईएएस ऑफिसर ने पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली थी, उनका नाम है मोहम्मद मोहसिन, जिन्हें बाद में इसकी कीमत चुकानी पड़ी जब चुनाव आयोग ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। हालांकि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी CAT ने निलंबन पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने भी अपना आदेश वापस ले लिया था। लेकिन उनकी चुनावी ड्यूटी पर रोक लगा दी गई और तत्कालीन कर्नाटक सरकार से आईएएस मोहम्मद मोहसिन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी की गई। कौन है मोहम्मद मोहसिन? बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले हैं मोहम्मद मोहसिन। 1994 में मोहसिन ने दिल्ली में UPSC की तैयारी शुरू की। कर्नाटक कैडर से मोहसिन 1996 बैच के IAS अफसर बने। कर्नाटक सरकार में कई पदों पर काम कर चुके हैं मोहसिन। 2019 में चुनाव आयोग ने ओडिशा में दी थी बड़ी जिम्मेदारी। संबलपुर लोकसभा क्षेत्र में सामान्य ऑब्जर्वर बनाया गया था। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली थी। ड्यूटी में लापरवाही के आरोप पर चुनाव आयोग ने सस्पेंड किया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ओडिशा में पीएम मोदी के चॉपर की तलाशी लेने वाले आईएएस अफसर मोहम्मद मोहसिन फिलहाल इस वक्त कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में प्रधान सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बहरहाल 2019 में जहां मोहम्मद मोहसिन की वजह से पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर का मुद्दा छाया हुआ था, तो वहीं इस बार टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने चुनावी आचार संहिता के बावजूद पीएम मोदी के सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर सवाल उठाया है,
जबकि चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक प्रधानमंत्री को सरकारी वाहन से चुनाव प्रचार करने की छूट दी गई है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर को मुद्दा बनाया जाता है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।